जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं पंडित विजय मिश्रा। आइए आज आप सब जानेंगे आश्विन मास कृष्ण पक्ष की पितृ एकादशी इंदिरा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त पारण समय के बारे में। किस चीज से व्रत का पारण किया जाएगा, पारण का क्या समय होगा, पूजन विधि, व्रत महत्व, नियमों के बारे में, और फिर आप सब सुनेंगे इंदिरा एकादशी पितृ एकादशी व्रत की कथा। इस बार एकादशी का व्रत जो कि 10 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार को किया जा रहा है। आप सभी भक्तों को इंदिरा एकादशी पितृ एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे इंदिरा एकादशी और पितृ एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन विशेष करके लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए और भगवान शालिग्राम का पूजन करना चाहिए। यह व्रत जो कि बड़ा ही पुण्यफलदायी माना गया है, जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ इंदिरा एकादशी पितृ एकादशी का व्रत करते हैं, तो इस व्रत के प्रभाव से खुद का तो उद्धार होता ही है, लेकिन यह व्रत खास करके अगर पूर्वजों के निमित्त की जाए, इस व्रत के प्रभाव से जो कि पितरों का उद्धार होता है और पितरों का उद्धार होकर सभी बंधनों से मुक्त हो स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत जो कि प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है, इसे एकादशी या ग्यारस व्रत के नाम से जाना जाता है। एकादशी का व्रत भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है। यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। हर एकादशी व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। उसी प्रकार से आश्विन मास जो कि पितृ पक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। इस दिन विशेष प्रकार से लक्ष्मी नारायण भगवान शालिग्राम का पूजन करना चाहिए और पितरों के निमित्त श्राद्ध आदि का कार्य करते हैं, इससे पितरों को गति प्राप्त होती है। इस बार एकादशी का व्रत जो कि 10 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार को किया जा रहा है। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 9 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार दोपहर 12:38 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 10 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार को दोपहर 3:10 पे। तो हमें सूर्योदय व्यापनी के अनुसार जो कि 10 अक्टूबर को समय प्राप्त हो रहा है, तो सभी इस दिन व्रत को धारण करेंगे और व्रत का पारण जो कि अगले दिन 11 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार को पारण किया जाएगा। पारण का समय जो कि सुबह 6:19 से सुबह 8:39 तक व्रत का पारण किया जाएगा। इंदिरा एकादशी व्रत का पारण जो कि गुरेण पारणम यानी कि गुड़ से इस व्रत का पारण किया जाएगा। यह संभव ना हो तो आप तुलसी दल जल या फल से व्रत का पारण करें। द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 11 अक्टूबर को शाम 5:38 पे है। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय का समय जो कि सुबह 5:53 और सूर्यास्त शाम 5:36। राहु काल का जो समय होगा 10 अक्टूबर को वह समय दोपहर 2:40 से शाम 4:08 तक होगा और 11 अक्टूबर को सुबह 11:44 से दोपहर 1:12 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। 10 अक्टूबर को योग जो कि बड़ा ही अच्छा योग बन रहा है, इस दिन साध्य योग होगा सुबह 7:45 तक, उसके बाद शुभ योग। तो आइए अब आप सब सुनेंगे पितृ एकादशी इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। अगर आप एकादशी व्रत के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा अन्नदान वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं आश्विन मास की इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय,
भगवान शालिग्राम की जय, एकादशी माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। एक समय की बात है, एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे भगवान, अब आप कृपा करके आश्विन कृष्ण एकादशी का महात्म्य सुनाइए। भगवान बोले कि हे राजा, इस एकादशी का नाम इंदिरा है और इसके व्रत का फल महान पुण्यों को देने वाला है। इसका व्रत करने से पितर लोग नरक यातना से निकलकर स्वर्ग के सुखों का उपभोग करते हैं। प्राचीन काल सतयुग में एक इंद्रसेन नाम का महा धर्मात्मा और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन किया करता था। उसके राज्य में प्रजा जो कि धन्य धान्य से परिपूर्ण एवं सुखी थी। एक दिन राजा अपने दरबार में विराजमान था। उसी समय महर्षि नारद आकाश मंडल से उड़ते हुए दिखाई पड़े। उनकी दिव्य ज्योति से चारों ओर प्रकाश प्रस्फुटित होता था। राजा ने अर्घ्य पाद्य से उनकी पूजा कर उन्हें दिव्य आसन पर बिठाया। महर्षि ने राजा से कुशल प्रश्न किया। राजा ने कहा कि हे भगवान, आपकी दया से यहाँ पर हर प्रकार से कुशल है। अब आप अपने आने का कारण बतलाकर हमें कृतार्थ करें। नारद जी ने कहा कि हे राजा, आप सावधान हो, मेरी बात को सुनिए। दैव संयोग से मैं घूमता फिरता यमपुर में पहुंच गया और वहां अनेक प्राणियों को नाना प्रकार की यातनाएं भोग करते हुए देखा। वहीं पर आपके पिता भी मिले और उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र इंद्रसेन महिष्मति का राजा है। आप उसके पास जाकर मेरा संदेश सुनाएं कि वह इंदिरा एकादशी का व्रत सकुटुंब करके उसका फल मुझे अर्पण करे तो मैं इस यम यातना से छूट जाऊंगा। यह तुम्हारे पिता का संदेश है, इसलिए तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो और उन्हें यम यातना से बचाओ। महर्षि के ऐसे वचन को सुनकर राजा ने कहा कि हे भगवान, आप मुझे बतलाइए कि यह व्रत किस प्रकार किया जाता है। राजा के ऐसे वचन को सुनकर नारद जी ने कहा कि हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दसवीं के दिन प्रातः काल स्नान कर पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध करें और एक ही बार भोजन कर रात को पृथ्वी पर सोएं। दूसरे दिन प्रातः काल नित्य कर्मों से निवृत्त होकर एकादशी व्रत का संकल्प करें कि आज मैं एकदम निराहार रहकर समस्त भोगों को त्याग कर द्वादशी को भोजन करूंगा। हे पुंडरीकाक्ष, आप मेरी और मेरे संकल्प की रक्षा करें। इस प्रकार संकल्प कर मध्याह्न में यानी कि दोपहर में शालिग्राम की मूर्ति के सम्मुख श्रद्धा भक्ति युक्त जो कि श्राद्ध करे और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनको यथाशक्ति दान दक्षिणा दे। पितृ शेष को सूंघ कर किसी गौ को खिला दे। धूप दीप से भगवान का विधिवत पूजन कर रात को जागरण करे। द्वादशी के दिन प्रातः काल स्नान कर पुनः ब्राह्मणों को भोजन कराकर उसके बाद बंधु बांधवों समेत भोजन करे। इस प्रकार व्रत करने से तुम्हारे पिता की अवश्य ही मुक्ति होगी। इस प्रकार व्रत की विधि बताकर महर्षि नारद वहां से चले गए। उनके जाने पर यथा समय राजा ने व्रत का अनुष्ठान किया। उस समय आकाश से पुष्पों की वृष्टि हुई और उसके पिता एक दिव्य सिंहासन पर सवार होकर स्वर्गलोक को जाते दिखाई पड़े। राजा इंद्रसेन भी बहुत दिनों तक राज्य भोग कर पुत्र को राज्य दे और खुद तपस्या हेतु चले गए। इस कथा को पढ़ने एवं सुनने वाले अवश्य ही स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी व्रत की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान शालिग्राम की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, एकादशी माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ इंदिरा एकादशी का व्रत करते हैं, इस दिन अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध आदि का कार्य करते हैं,
तो इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के उनके पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके पितरों का उद्धार होता है और अंत समय में जो कि भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। जो भी भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के लिए जो कि दशमी के दिन से ही व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन जो कि सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन कर लेनी चाहिए, उस दिन शुद्ध और सात्विक आहार लेनी चाहिए। दशमी एकादशी और द्वादशी इन तीन दिनों तक जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए जहाँ तक हो सके। इस दौरान जो कि तामसिक वस्तुओं का नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। अपना मन भगवत चरण में लगाना चाहिए और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शालिग्राम का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शालिग्राम का जो कि जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे, भगवान को पीला वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत अर्पित करें, उसके बाद जल से आचमनी करवाएं, भगवान को पीला पुष्प अर्पित करें, पुष्पों की माला अर्पित करें, उसके बाद तुलसी दल भगवान विष्णु को और भगवान शालिग्राम को अवश्य ही अर्पित करें। बिना तुलसी के भगवान का पूजन जो कि मान्य नहीं होता है, तो भगवान को तुलसी पत्र अर्पित करें, उसके बाद काले तिल और यव जो कि भगवान विष्णु भगवान शालिग्राम को चढ़ाएं, भगवान शालिग्राम को भगवान विष्णु को जो कि अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है इस बात का ध्यान रखें, अक्षत के जगह उन्हें काले तिल अर्पित करें, साथ में जौ अर्पित करें, उसके बाद फिर पीला चंदन अर्पित करें, फिर धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ में अर्पित करें। विशेष करके इस दिन भगवान विष्णु भगवान शालिग्राम को जो कि गुड़ और तिल से मिश्रित भोग अवश्य ही भगवान को लगाएं, यह अनंत फल दायी माना गया है। इस दिन अगर भगवान को भोग लगाते हैं, आप चाहें तो जितने भी प्रकार के ऋतु फल हो या दूध से बने हुए वस्तुएं हो उसका भोग भगवान को लगाएं। और जब भी भगवान को भोग लगाते हैं तो साथ में तुलसी दल डाल करके भगवान को भोग लगाना चाहिए, उसके बाद जल से आचमनी करवाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, मुख शुद्धि के लिए पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ में अर्पित करें और फिर इंदिरा एकादशी पितृ एकादशी व्रत का कथा श्रवण करें, भगवान विष्णु के अष्टोत्तर आदि का पाठ या श्रवण करें। इस दिन भगवान जो कि सत्यनारायण का कथा भी श्रवण कर सकते हैं और फिर भगवान की आरती करें। इस प्रकार से व्रत रखते हुए कथा श्रवण करते हुए एकादशी के दिन जो कि समय को व्यतीत करना चाहिए और रात्रि में जहाँ तक हो सके जागरण करते हुए समय को व्यतीत करें और अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन जा करके सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती कर लें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें और फिर समय के अनुसार सकुटुम्ब जन सहित जो कि आप लोग व्रत का पारण करें। इस प्रकार से व्रत को धारण करने से भगवान विष्णु अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देते हैं तथा जो कि पितरों का भी उद्धार कर देते हैं। जो भी भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के दौरान जो कि किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि नामों का जप करते रहना चाहिए, अपना मन भगवान विष्णु के चरणों में लगाना चाहिए। इस प्रकार से भगवान विष्णु अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञान वर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।